हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आपका फोन में एक न्यू जीमेल आईडी या फिर गूगल आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, कृपया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा एंड तक वॉच कीजिए, और इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल का जो जीमेल ऐप है उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, राइट साइड में ऊपर जो आपका जीमेल का प्रोफाइल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका फोन का जितना जीमेल आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड अनदर अकाउंट करके। तो आपको इस एड अनदर अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल का। तो आपको इस गूगल का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। गूगल का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका फोन का जो लॉक है, स्क्रीन लॉक, उसको आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों, आपका सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट अकाउंट करके जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फॉर माई पर्सनल यूज, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर आपका जो नेम है उसको आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद दोस्तों, आपका जो सरनेम है उसको आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको दे देना है। देने के बाद दोस्तों, नीचे जो जेंडर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप मेल है तो आप यहाँ पर मेल पे सिलेक्ट कर देना। देने के बाद दोस्तों, नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। इनमें से जो जीमेल आईडी आपको अच्छा लगता है उस जीमेल आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। करने के बाद दोस्तों, तो आपको यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे यस आई एम इन करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एग्री, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम वेट कर लेना है। वेट करने के बाद दोस्तों, आपका जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर आसानी से क्रिएट हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से आपका गूगल आईडी या फिर जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगला कोई नया वीडियो लेके। जय हिंद दोस्तों।